हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर जिसका नाम है खुशबू हुसैन ब्लॉग्स। तो अभी जस्ट आप देख सकते हैं कि हम कैब में हैं और रेडी शेडी हो गए हैं बिल्कुल पैकिंग के साथ। सडनली का कहीं का जाने का हमारा प्रोग्राम बन गया, कुछ प्लान नहीं था। बस सुबह मॉर्निंग में उठे और ऐसे दिमाग में आया तो प्लान बना लिया हम लोगों ने जाने का। तो अभी आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमने क्या बना लिया, किसी ने बनवा के दिया है। हाँ। कसम से अगर मतलब इतना अर्जेंट था जाना, सडनली एकदम अर्जेंटली जाना पड़ रहा है, लेकिन टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो प्रकाश सुबह 4 बजे से रेलवे लाइन की मतलब वो रेलवे की बुकिंग के काउंटर पे खड़ा है। प्रकाश मेरा टीममेट है अभी तो फिलहाल, मेरा सब कुछ वही है फिलहाल, सारे काम वही देख रहे हैं। बस अभी आपको दिखाएंगे, है तो हमारे ट्रेन जर्नी है तो रास्ते में दिखाते जाएंगे थोड़े थोड़े स्टॉपेज आपको। अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, कैब में जा रहे हैं हम लोग रेलवे स्टेशन, मिलते हैं फिर ट्रेन में बैठ कर। गाइस हम आ चुके हैं निजामुद्दीन के स्टेशन पे, देख सकते हैं फैमिली खड़ी है सब तैयार। ये देख सकते हैं आप निजामुद्दीन का स्टेशन, हजरत निजामुद्दीन। तो अभी देखते हैं, हमारी ट्रेन है, जा रहे हैं अभी हम। तो बस हम स्टेशन के पास आ गए हैं, अभी देखते हैं हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। बस अभी जाएंगे फिर हम चेकिंग करवा रहे हैं सामान की। हे गाइस, अभी हम बहुत ऐसे स्टेशन पे बैठे हुए हैं और एक्चुअली हमारी ट्रेन थी 2:15 पर, और जब हम यहाँ पर आए आज ही सडनली ट्रेन का जो टाइम है चेंज हो गया, वो हो गया शाम के 5 बजे का। तो हम लोग अराउंड 4 घंटे हमें मतलब हो गए बैठे हुए, अभी नहीं 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे और बैठे हैं, 4 घंटे हम स्टेशन पे बैठेंगे। और पता नहीं क्या, और आज ठंड भी ज़्यादा है, बच्चे बैठे हैं और जस्ट अभी हमने थोड़ा बहुत लंच किया, उसके बाद अभी हमें वो ली है चाय की है। हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हैं, ये है मनन। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का, जैसे ही आएगी फिर हम उसमें बैठेंगे, बट अभी तो शायद 2 घंटे और हैं बैठने के लिए, क्योंकि अराउंड 5 बजे की अनाउंसमेंट हुई है ट्रेन की कि 5 बजे आएगी, तो देखते हैं फिर। तो गाइस हमारी ट्रेन आ गई है, बट अभी बस स्टेशन पे हैं और डोर ओपन नहीं हुए हैं, तो बस अभी जैसे ही डोर ओपन होंगे हम लोग अंदर बैठेंगे। बहुत देर वेट किया हमने ट्रेन का और हम लोग जा रहे हैं जबलपुर। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? बोल दिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तलवारें लेके बैठे यार, नहीं अभी ने बताना था यार, अभी बता दिया तो गाइस। बस अभी डोर ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि अभी जस्ट आके लगी है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, और बस जैसे ही डोर ओपन होंगे हम लोग जाएंगे अंदर, सेटल होंगे फिर आपको दिखाएंगे अंदर का व्यू कैसी है ट्रेन। तो गाइस अभी हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन चल पड़ी है, जैसे कि देखिए बहुत लेट है ट्रेन अपने टाइम से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कितने बजे पहुंचाती है हमको जबलपुर। आप लोगों को पता तो लगी है, वेद जी ने खुलासा कर दिया कि हम जबलपुर जा रहे हैं, तो अभी बस देखते हैं कितने बजे तक सुबह मॉर्निंग में कहां तक पहुंचते हैं और घर कितने बजे तक पहुंचते हैं, ये अभी हमको भी नहीं पता है। जैसा भी रहेगा जर्नी बीच बीच में आपको बताते जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 4 से 5 घंटे ट्रेन निजामुद्दीन से लेट है। अभी मॉर्निंग मतलब मिड नाइट में अगर ये पूरा जर्नी कवर करती है टाइम को तो सही है, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा पहुंचने में हमको घर। तो कोई ना, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, बने रहिएगा एंड तक ब्लॉग में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, हे गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30 और भोपाल निकल चुका है, भोपाल का स्टेशन अराउंड आया था आई थिंक 8 बजे शायद से, और उसके बाद
बाद शायद दो स्टेशन निकल चुके हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि ये ट्रेन जा रही है भाई भोपाल होकर जबलपुर। ऑलमोस्ट ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, जो सिर्फ जबलपुर की सवारियाँ हैं वही बैठे हुए हैं, बाकी सब उतर चुके हैं और बच्चे बस उठ चुके हैं, वेट कर रहे हैं दादू के घर कब आएगा। इधर है वेग जी बैठे हुए हैं, बस ट्रेन का सफर, ट्रेन चल रही है हमारी, ट्रेन चल रही है हमारी, देखते हैं फिर। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है खुशबू मशीन व्लॉग। तो एक्चुअली रात का व्लॉग जो है मैं एंड नहीं कर पाई थी, यहाँ आके बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, मुझे फीवर हो गया था बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो व्लॉग एंड करना रह गया था। बट कोई बात नहीं, नई शुरुआत है मॉर्निंग की। नहीं देख सकते हैं हम लोग बाहर हैं, बजे हैं सुबह के कितने, 9:30 आई थी, 9 बज चुके हैं और सडनली बच्चों ने रात को वैसे प्रोग्राम बन गया था कि गौरीघाट जाने का, तो फटाफट से बच्चे तो होके रेडी होके जा चुके हैं और मैं और ये वेग जी तो अब जा रहे हैं गौरीघाट बच्चों के पास मिलने, वहाँ देखने तो व्यू दिखाएंगे आपको लेक का, जो भी नम्रता घाट। तो देख सकते हैं जबलपुर की ठंडी बहुत ही ठंड भरा दिन, आज सूरज नहीं निकला, आज सूरज नहीं निकला, कल भी थोड़ा सा निकला था फिर उसके बाद फॉग हो गया था। बट बच्चों का एक्चुअली प्रोग्राम था सनराइज देखने का वहाँ पे नंदा घाट पे, लेकिन सन तो निकला ही नहीं है तो हम लोग थोड़ा लेट निकल रहे थे। तो बस अभी हम लोग निकले हैं, सनराइज तो हो चुका है बट बादलों के बीच में हुआ है, ऐसे नहीं दिखेगा, बहुत ठंड है, मौसम ठंडा है। तो अभी चल रहे हैं नम्रता घाट, आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। आ चुके हैं नम्रता घाट में, आप देख सकते हैं लेक का व्यू, और वो अगर सामने देखें आप वो गुरुद्वारा है, अगर आप नदी क्रॉस करके जाते हैं, ये बोट्स लगी हैं, ये आपको क्रॉस करके वहाँ पर उस साइड करते हैं तो आप गुरुद्वारे के दर्शन भी कर सकते हैं वहाँ जाके गुरुद्वारे में। तो व्यू दिखाती हूँ, आज धूप नहीं निकली है, ठंड बहुत है यहाँ पर भी, ये देख सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी मॉर्निंग है तो इतना रश भी नहीं है यहाँ पर, नहीं तो शाम के टाइम में जब आरती होती है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, तकरीबन 8 बजे आरती होती है यहाँ पर। मैंने जैसे कि पहले भी व्लॉग बनाया हुआ, आप देख सकते हैं वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर। तो ये है पास का व्यू नम्रता घाट का, यहाँ पर होती है आरती शाम के टाइम में, यहाँ पंडित जी बैठते हैं यहाँ पर पूरा अपना सामान ले कर आरती का, जो शाम की आरती होती है ये देख सकते हैं। अभी थोड़ा रश कम है, तो ये हमारे बच्चे जो हमसे पहले पहुंच गए हैं, से हाय टू माय व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, गुड मॉर्निंग डॉल। अभी रुक जाओ, अभी नहीं चलाना था बेटा डॉल, ये बुझ जाएगा बच्चे। ये है वेग जी आ रहे हैं, ठंड बहुत है, हमें लगा था नहीं होगा। ये लक्ष्य, हेलो बोलो सब आओगे व्लॉग में, बर्ड्स देखिए आओ, ये देखिए ये बोट्स खड़ी हैं यहाँ पर, अगर आपको वहाँ तक जाना है या पूरा नदी का आपको राउंड लेना है तो ये बोट्स हैं, आप इनको ले सकते हैं यहाँ पर। और वो सामने है गुरुद्वारा, वहाँ पर आपको ये उतार देते हैं अगर आपको दर्शन करने हैं। हम लोग दाना डाल रहे हैं इनको, पक्षियों को, नाव में बैठे हैं हम लोग, तो ये देखो कैसे आ गए हैं सारे के सारे, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, हाथ से ले लेते, हाथ से ले लेते।
आगे गिर मत जाइए। ओ भाई साहब वो है गुरु, मैं दिखा दी है दो बार वैसे तो। चलो ये पास से बोट से दिखा देते हैं। हम लोग बैठे हैं बोट में, बैठे हैं भैया चला रहे हैं, भैया ये बच्चे, ये वेग जी, हम बैठे हैं बोट में। सुबह से बोटिंग करने आए हम लोग और ये हम पक्षियों को दे रहे हैं दाना। तो ये देखो कैसे आ गया हमारे पीछे पीछे, ये देखिए बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में। वो देखो साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल हमारे साथ साथ। ये देखो दिया डाल रही, ये जला दो यार, ये मुझे इसी से जला दो। क्यों ऐसे जल रहा है? मैं तो भी जा रही हूँ। नहीं 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 खत्म हो गया, ऐसे जल्दी जल रहा है बेटा। जल गया पहले ये वाला डाल दो ना, भूख रहा है। ये आप डाल दो। अरे सब हाथ लगवा लो भाई। ओ मैडम लग हाथ लगाओ बेटा, निकल के कुल्लड़ वाली चाय पीने, जो कि हमारी जिया ने बताया कि यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है। जिया जी और सच में बहुत अच्छी है, एकदम आपको कैसे पता है यहाँ पर चाय बहुत अच्छी है? पीती थी तो उसने बोला चाची यहाँ पर चाय बहुत अच्छी मिलती है कुल्लड़ वाली, कुल्लड़ देना वहाँ पे। तो बस अब हमारी चाय हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर। ये हमारी पीछे पूरी पलटन देख सकते हैं, सारे जने खड़े हुए हैं। हमने पी है यहाँ पर चाय, चाय अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कुल्लड़ वाली चाय, पर ठंडी हो गई थी क्योंकि ठंड बहुत है। ये है एमपी का पोहा जो कि फेमस है बहुत, ऐसे देते हैं ये लोग। और हम लोग रुके हैं यहाँ पर अभी खाने के लिए। जिया क्या खा रही है? पोहा पोहा पोहा। आप क्या खाओगे? मैंने मंगाया समोसे। ये तो पंजाबी समोसे कहीं नहीं छोड़ते हैं, समोसे कहीं नहीं छोड़ेगी, जहाँ दिखे वहीं पे लपेटेंगे। तो ये हम पोहा खा रहे हैं अभी, देखिए एमपी स्पेशल पोहा। ये क्या है? भाजी वड़ा, यहाँ का फेमस है भाजी वड़ा, आलू वड़ा। यहाँ का नाश्ता ये होता है भाजी वड़ा, आलू वड़ा और समोसा। तो समोसे और वो क्या? वो कुछ वो रामलड्डू टाइप है कुछ। और है जलेबी, पोहा जलेबी वड़ा यहाँ का फेमस ब्रेकफास्ट है। जैसे मुंबई जाओ तो वहाँ पे हर जगह वो मिलता है ना, आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं।